लाडली बहना योजना जैसी आकर्षक योजनाओं के सहारे जीत हासिल करने वाली भाजपा सरकार पर बढ़ा बेतहाशा कर्ज। अब बंद होने वाली हैं कई योजनाएं। दिसंबर माह की शुरुआत में जब 3 दिसंबर को नतीजे आए थे तो सबकी जुबान में एक ही नाम था, वह नाम था लाडली बहना योजना का। राजनीतिक जानकारों की माने तो यही वह योजना थी जिसके सहारे महिलाओं ने खुलकर भाजपा को वोट दिया और भाजपा की वापसी मध्य प्रदेश में संभव हो सकी। लेकिन अब लग रहा है कि ये और इस तरह की तमाम योजनाएं कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरदर्द बन चुकी हैं। इस योजना के तहत सालाना 15,000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं। इनसे महिलाओं को बड़ा फायदा पहुंचा है। दरअसल नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव पर बढ़ते कर्ज और नई सरकार के गठन के साथ ही कई योजनाओं पर कटौती की तलवार अटक गई है। वित्त विभाग ने कई विभागों को योजनाओं को आगे बढ़ाने से पहले अनुमति लेने के निर्देश जारी किए। जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 3.5 लाख करोड़ का भारी भरकम कर्ज लग चुका है। आगामी समय में तमाम योजनाएं आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश को और कर्ज की जरूरत है। ऐसी स्थिति में कई योजनाओं को सही तरीके से चला पाना संभव नजर नहीं आ रहा है। इसलिए वित्तीय विभाग ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को टैक्स एकत्रित करने का एक निश्चित लक्ष्य तो दिया ही है, साथ ही कई योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी गई है। धर्मस्व विभाग की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगने का असर सीधे तौर पर महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन के अलावा तीर्थ दर्शन योजना पर पड़ने का अनुमान है। वित्त विभाग ने बगैर अनुमति के पैसे खर्च करने पर भी रोक लगा दी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सरकार पर सबसे ज्यादा बोझ पहले से चल रही योजनाओं के कारण पड़ रहा है। छात्राओं को स्कूटी देने, लाडली बहनाओं को हर महीने की 10 तारीख को पैसे देने, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने, पंचायत कर्मचारी का वेतन बढ़ाने, संविदा कर्मचारियों के मानदेय में इजाफा करने, साथ ही कॉलेज के अतिथि विद्वानों का मानदेय निर्धारित किए जाने से सरकार की आर्थिक हालत खस्ता है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को लगभग 25,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज लेना पड़ सकता है। ऐसे में प्रदेश पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। यही वजह है कि वित्त विभाग ने कई योजनाओं पर राशि खर्च करने पर विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।